नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वर्टिब्रेट्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं क्योंकि उनकी बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा साइज में भी बड़ी हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं विद रेफरेंस टू अदर ऑर्गन सिस्टम्स एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स लाइक फिश एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स रिलाई ऑन वन और द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ गैस एक्सचेंज द क्यूटेनियस बॉडी सर्फेस एक्सटर्नल फिलामेंटस गिल्स एंड इंटरनल लेमिलर गिल्स यानी एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ मौजूद हो सकती हैं एक एनिमल के पास फ़िश एम्फीबिया और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में अपने आ, संभाले होते हैं मुख्तलित तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं तो एक ही एनिमल में गिल्स भी हो सकते हैं उसकी क्यूटेनियस रेस्परेशन भी हो सकती है उसके अंदर लंग्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर दो तरीके से कम से कम वो वेस्पायर कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायो मोडल ब्रीदिंग बायो मोडल ब्रीदिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस साइमल्टेनियसली विद बोथ एयर एंड वाटर जैसे हम फ्रॉग्स की एग्जांपल लेते हैं कि वो पानी में भी चले जाते हैं और खुशकी में भी, भी रह लेते हैं तो उनमें लंग्स भी काम कर सकते हैं और उनमें पानी के अंदर रहते हुए भी बायो मोडल यानी क्यूटेस रेस्पिरेशन के थ्रू भी वो ब्रीद कर सकते हैं या फिर हम मुख्त तरह की गिल्स की अटैपटेशन भी देखते हैं तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पानी और एयर दोनों के अंदर ब्रीद कर सके दैट इज कॉल्ड बाय मोडल ब्रीदिंग बाई मोडल ऑर्गेनिज्म सम सेलेमेंडर क्रैब्स बाय नैकल्स बाय वायर मुलस्का एंड फिश स्पेशली लंग फिश यूज देयर गिल्स फॉर वाटर ब्रीदिंग एंड लंग्स फॉर एयर ब्रीदिंग हावर सम गैस एक्सचेंज इज़ ऑलवेज क्लूटेनियस एंड सम बाय मॉडल ब्रीदर्स आर एक्चुअली ट्राई मॉडल यानी वो एनिमल्स जिनमें लंग्स भी हैं और गिल्स भी हैं लेकिन कुछ न कुछ वो स्किन को भी यूज़ करते हैं अपनी गैसेस के रेस्पिरेशन के लिए तो तीसरा भी मोड ऑफ रेस्पिरेशन उनमें मौजूद है इस वजह से उनको बाय के बजाय ट्राई कहना ज्यादा बेहतर होगा

दीज वॉटीब्रेड सर्फिस एंड ट्रांजेक्शन उसके बाद हम देखते हैं कि इन एनिमल्स को छोड़कर जो कि प्रेमेटिव थे एम्फीबिया या फिश या कुछ रेप्टाइल्स, इनके बाद आने वाले जो ट्रूली हैं, उनके अंदर कैसे रेस्परेशन होती है नंबर फर्स्ट इज क्यूटेन्ज समब्रेड हैंग्नस फिशेज एंड मेमल्स यूज मोड और इन एक्सचेंज टू सप्लीमेंट गैस एक्सचेंज यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास अदरवाइज लंग्स तो मौजूद हैं लेकिन वो सप्लीमेंट के तौर पर यानी एक्सेसरी उनके पास एक मोड मौजूद है क्यूटे के नाम से या उनकी स्किन बेसिकली हेल्प करती है उनको रेस्परेशन में हावर क्यूटेनिस मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन फ्रॉग्स न्यूट्स एम्फीबियन स्किन हैज अ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द मेजर वर्टिब्रेट रिस्पिटरी ऑर्गन इन फ्रॉग्स यूनिफॉर्म कैपिलरी नेटवर्क लाइज इन अ प्लेन डायरेक्टली द एपिडर्मिस जितने भी ऑर्गेनिज्म जिक्र किए गए हैं इनमें सबसे जो हाईली डेवलप्ड ये मोड है क्यूटेस रेस्पिरेशन का वो बेसिकली फ्रॉग्स के अंदर एग्जिस्ट करता है फ्रॉग्स में जो है उनकी स्किन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें सिंपल यही है कि स्किन के नीचे कैपिलरीज का या ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है जिसकी वजह से क्यूटेनिस रेस्पिरेशन पॉसिबल हो जाती है और दूसरी बात यह है कि इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है और मॉइस्चर की वजह से एयर का ट्रैप ज़्यादा आसान हो जाता है In frogs, a uniform capillary network lies in the plane directly beneath the epidermis. This vascular arrangement facilitates gas exchange between the capillary bed and the environment by both diffusion and convection.

नेक्स्ट इज गिल्स गिल्स आर रेस्परेटी ऑर्गन थिन मॉइस्ट वेस्कुलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस टू परमिट द गैस एक्सचेंज अक्रॉस द थिन गिल मेम्ब्रेन्स और अ वेरी थिन लेयर ऑफ एपिडर्मिस ओवर द हाईली वेस्कुलर डर्मिस दो सूरतें हो सकती हैं गिल्स की यानी या तो गिल्स जो हैं वो इस सूरत हाल में मौजूद हैं कि बहुत थिन है मॉइस्ट है और एपिडर्मिस की ऐसी लेयर जो कि हाईली वेस्कुलराइज है यानी सबसे बाहर वाली जो स्किन की लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं उसके अंदर ही ब्लड वेसल्स की पेलेंट्रेशन है ब्लड वेसल्स वहाँ तक जाती हैं कैपिलरीज की फॉर्म में और वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है या इधर एपिडर्मिस जो है वो बहुत थिन है उसके अंदर तो नहीं है ब्लड वेसल्स लेकिन नीचे वाली जो डर्मिस है वो हाईली वेस्कुलराइज है तो ऊपर मौजूद थिन लेयर ऑफ़ एपिडर्मिस जो है वो कोई रुकावट नहीं बनती है और नीचे जो हाईली वेस्कुलराइज डर्मिस है वो गैसेज को आराम से जो एक्सचेंज करवा सकती है लार्वल फॉर्म्स ऑफ अ फ्यू फिशिज एंड एम्फीबियंस हैव एक्सटर्नल गिल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम दर बॉडी एडल्ट फिश है जैसे लारवल फॉर्म में हम देखेंगे कि वह कुछ ऐसी फिश या एम्फीबिया है जिनके लार्वल जो है जैसे एक्जोलोटल वगैरह हैं उनके अंदर एक्सटर्नली एक्सपोज गिल्स होते हैं जैसे इस फिश के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है एक्सटर्नल गिल्स को दिस एक्जोलोटल और एम्बेस्टोमा हैज एक्सटर्नल एबोरेट एक्सटर्नल्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज विद द वाटर यानी इस तरह की स्पीशीज के अंदर जो एक्सपोज हुए हुए गिल्स भी होते हैं और कुछ ऐसी बेषतर ऐसी फिश हैं जिनके अंदर इंटरनल गिल्स एग्जिस्ट करते हैं गैस एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनल गिल्स एक्सट्रीमली एफिशियंट इट अकर्स एज ब्लड एंड वाटर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन आइर साइड ऑफ द लेमिलर एपिथीलियम अब इसमें जो हम इंटरनल गिल्स देखते हैं एक फिश के अंदर या कोई भी वाटर डोइलिंग ऑर्गेनिजम है उसके अंदर तो हम देखते हैं कि उसकी भी इसी तरह की फोल्डिंग्स हैं फोल्डिंग बैटरीन या लेमिली एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ब्लड और वाटर की डायरेक्शन एक दूसरे के टोटली अपोजिट हैं तो इसमें काउंटर करंट मेकेजम है ये बहुत ज्यादा एफिशियंट होता है गैसेज के एक्सचेंज के लिए फॉर एग्जाम्पल द वॉटर दैट पासिस ओवर द गिल फर्स्ट इनकाउंटर्स द वैसल्स दैट आर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड विद द लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन टू द बॉडी अब सबसे पहले जो एयर आ रही है इन एयर चैम्बर्स के अंदर या इन लैमिली के अंदर जो एयर का पैसेज हो रहा है सबसे पहले वो उन वैसल्स को आकर टकर है जिनके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है सपोज आप ले लें कि वो वेन्स आ रही हैं या आर्टरीज आ रही हैं जो कि गिल्स को बात कर रही हैं उनके अंदर सबसे पहले हवा उनको या एयर उनको एनकाउंटर करेगी जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत लो है उनको सबसे पहले ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगी उसके बाद वो ट्रैवल करके आगे चली जाएंगी फॉर एग्जाम्पल द वॉटर दैट पासिसवर द गिल्स फर्स्ट इनकाउंटर द वैसे दैट आर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड विद लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन टू द बॉडी बिकॉज द कंसेंट्रेशन और पार्शल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लोअर इन द ब्लड दैन इन वाटर ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू द ब्लड सिंपली वो पार्शल प्रेशर की वजह से या कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पानी में ज्यादा ऑक्सीजन है ब्लड में कम है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में चली जाएगी वाटर दैन पासिस ओवर द वैसल्स कैरिंग ब्लड रेलटिवली हायर इन ऑक्सीजन फ्रॉम डीपर विद इन द बॉडी उसके बाद कुछ ऐसी वैसल्स को भी फेस किया जाएगा जिनके बाद निस्पतन थोड़ा ज्यादा लेवल का है, लेकिन फिर भी का, पानी के मुकाबले में कम है इस वजह से पानी के अंदर से सिंपली ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड के अंदर चली जाएगी मोर ऑक्सीजन इन वर्ड बिकॉज दिस ब्लड स्टिल हैज ऑक्सीजन दैन द सराउंडिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूज इन टू द वॉर दिस कंसेंट्रेशन इज हायर इन द ब्लड देन इन वॉटर दिस काउं करेंट एक्सचेंज मैकेफिशेंट गैस एक्सचेंज बायेट्रेशन ग्रेडियंट बिटवी ब्लड एंड वॉटर ओवर देंथ ऑफ कैपिली बैठ तो इसमें सिंपली यही है कि वो वाली वैसल्स जो कि ब्लू कलर में दिखाई गई है यहाँ पे वो अमूमन हम वेंस से डिनोट करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड आ रहा है इनके अंदर तो सबसे पहले एयर आते हुए उनको इनकाउंटर करती है उनको ऑक्सीजन दे देती है फिर कंपेरिटिवली उनके मुकाबले में जो ज़्यादा ऑक्सीजन वाली होती है वैसल्स लेकिन उनमें भी पानी के नस्बतान कम ऑक्सीजन है तो वहाँ पर भी डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इसी पैटर्न पर कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है क्योंकि उनके दम्याय में मौजूद ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है पानी में कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसी तरह से डिफ्यूजन के थ्रू पानी के साथ चली जाएगी यह सारा सिस्टम है उनके अंदर लंग्स को इंशाल्लाह हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू